अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द टेस्टी स्पून। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी चटपटी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना तो बहुत ही आसान। इस चटनी को आप किसी भी ग्रेवी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चले आए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। दो टमाटर के स्लाइसेस जाएंगे, इनके हमने कवर उतार लिए थे। एक हमें मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए, उसके भी स्लाइसेस। इमली 2 टेबल स्पून, गुठली निकाल के। और 2 ग्रीन चिली जाएंगी, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें अनारदाना जाएगा, 3 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा, 1 कप इसमें धनिया जाएगा, फ्रेश धनिया लीजिएगा, और 1/2 कप इसमें पुदीना जाएगा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम हावन दस्ता लेंगे, उसके अंदर अनारदाना डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। इसको हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लेंगे। इतना आपने कूटना है कि थोड़ा स्मैशी सा हो जाए। ये अच्छी तरह से कूट लिया। अब इसमें 2 हरी मिर्चें जाएंगी और साथ में इमली जाएगी। इमली मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इसकी गुठली निकाल के। इसको भी अब हम अच्छी तरह से कूटेंगे। आपने इस पे अपने घर वालों का सारा जोर लगा देना। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब इसमें धनिया जाएगा, फ्रेश धनिया की तो बात ही कुछ और होती है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और अब इसमें पुदीना जाएगा, इसको भी हम कूट लेंगे अच्छे से। मेरी ये रेसिपी भी बाकी रेसिपीज़ की तरह ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। अब इसमें टमाटर के स्लाइसेस जाएंगे, इसका हमने कवर उतार दिए थे टमाटर के। आपने इसको ज़्यादा नहीं कूटना है, इसको नॉर्मल आपने कूटना है, ताकि जो टमाटर के लम्स हैं वो नज़र आए इसमें। अब इसके साथ साथ हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के भी आपने ऐसे ही स्लाइसेस काटने हैं। बहुत ही फ्रेश चटनी है ये, आप ज़रूर बनाइएगा। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया प्याज को। प्याज और टमाटर के लम्स आपने दिखाने हैं। अब लेमन की बारी है। लेमन हमें साइड पे देख के खुश हो रहे थे, तो क्यों ना इनको चटनी में स्क्वीज़ किया जाए, ताकि इससे तो हमारी चटपटी चटनी रेडी होगी। सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें लास्ट स्टेप है दही का। दही डाल देंगे। दही को भी हमने स्मैश करना है, ताकि थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, थोड़ा मज़े का टेस्ट आएगा इससे। बस ये चटनी हमारी इस प्रोसेस के बाद डन है। प्यारा सा एक प्रेजेंटेशन के लिए बाउल लेंगे। अब हम इसमें चटनी डाल देंगे। मैं आपको बाकी रेसिपीज़ की तरह कहूँगी, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखा करें, चाहे वो चटनी हो चाहे वो ग्रेवी हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इंशाल्लाह एक अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।